चलो, कहता डेंसिटी या फिर न्यूली डिस्कवर प्लैनेट इज ट्वाइस दैट द अर्थ। ठीक है, अब देखो, एक हम लोगों के पास एक नया प्लैनेट मिल गया जिसकी डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज टू टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ। डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस प्लैनेट इक्वल टू दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जी उस प्लैनेट पे और जी अर्थ पे, ये दोनों इक्वल है और इन सबको मैं जी बोल देता हूँ। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, अगर अर्थ की रेडियस आर है तो उस प्लेनेट की रेडियस निकालनी है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज आएगा भाई? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम सबको पता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म में बात कर रहा है, तो मास को मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू जी एम ऑफ आर स्क्वायर, मास को तोड़ दो 4/3 पाई आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या रेडियस निकालना है और जी दोनों पर इक्वल है और डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी दोनों पर इक्वल है तो रेडियस और डेंसिटी, रेडियस और आपस में डेंसिटी कैसे रिलेटेड है? तो दैट इज आर। ठीक है, दैट इज आर। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, G इक्वल है, पाई इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो लो, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट टू रो ले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है।